बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके औरंगी टाउन इकबाल मार्केट थाने में। अब से कुछ देर कबल जो है सेक्टर 11:30 हुआ कोर्ट में पुलिस मुकाबला हुआ है। हमारे साथ इस वक्त SHO इकबाल मार्केट शहबाज़ यूसुफ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। हमें बताइएगा कि ये मुकाबले के दौरान जो है कितने मुलजमान थे और कितने मुलजमान को जो है वो ज़ख्मी किया गया। ये तकरीबन 2 मुलजमान थे, स्कूटर पर जा रहे थे, जिनको रोकने का इशारा किया, जो रुके नहीं बल्कि पुलिस पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद जवाबी फायरिंग में जो है ना एक मुलजिम राजू जो है ना ज़ख्मी हो गया और दूसरा जो है गिर गया अपने इसको मतलब दोनों स्कूटर से गिर गए। और राजू की जब मालूमात करवाई है CRO तो तकरीबन ये कोई 8-9 केसों में पहले भी बंद हो चुका है। ये तकरीबन 302 हो गया, 353 324 हो गए और इसके अलावा 392-97 डकैती में मतलब, और इसके अलावा 23/7 औरंगी थाने से बंद हो चुका है, पाकिस्तान बाज़ार काफ़ी मतलब वारदातों में है ये राजू। अच्छा, इसने कुछ एतराफ़ किया अब तक के दौरान वारदात जो इसने कितने शहरी को हलाक किया हो या ज़ख्मी किया हो? मतलब अभी तो नहीं, वैसे ये 302 में बंद हो चुका है। पहले भी एक इसने कोई बंदा वगैरह मारा था स्नैचिंग के दौरान, ये पहले भी इसका एक केस है औरंगी टाउन थाने में 302 का। अच्छा जी। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि इस वक्त आप क्राइम रेशो क्या है आपके इकबाल मार्केट थाने की हदूद में, क्योंकि पहले जो है वो आपके आने से पहले जो है यहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल जो बहुत ज़्यादा दंडाते फिरते थे और खुलेआम वारदात करते थे, लेकिन अब जो थोड़ा सा कंट्रोल किया गया हमारी मालूमात के मुताबिक? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो बहुत ज़्यादा, जिस टाइम मेरी पोस्टिंग हुई थी आज से कोई 2.5 महीने पहले 3 महीने पहले, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा क्राइम था, रोज़ाना की 10-12 वारदातें, 8-10 वारदातें होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकाउंटर किए 6-7, जिसमें काफ़ी मुलजमान है, 14-23/7 के केस किए थे, मतलब 40-45 केस किए, जिसमें चोरी की मोटरसाइकिलें लोग वो करते थे वो किए, मोबाइल स्नैच करते थे, वो डकैत ग्रुप थे, मतलब कोई 7-8 ग्रुप थे, मामा पंचर के नाम से फाद था, इसके अलावा जायद वाले थे, ये अपना KK वाले थे, मतलब काफ़ी ग्रुप थे जिनको मैंने जो है अभी तक वो जेल में, जिसकी वजह से क्राइम रेशो में बहुत कमी आ गई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO इकबाल मार्केट शहबाज़ यूसुफ, जो हमें बता रहे थे कि इनके पोस्टिंग के बाद जो है इन्होंने कई मुलजिमान को जो है गिरफ़्तार किया है, दौरान मुकाबला मुलजिम को जो है ज़ख्मी भी किया गया। अब भी आज भी जो पुलिस मुकाबला हुआ उसमें एक मुलजिम जो ज़ख्मी हुआ है, जिससे जब इन्होंने इब्तदाई मालूमात हासिल की तो इसने जो है वो कई शहरी को जो हलाक और ज़ख्मी भी किया था, जिससे तिब्बी इमदाद के लिए जो है अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी।